हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जालन ब्लॉग। और आज हम लोग आए हुए थे अजमेर, और अजमेर से हम लोग जा रहे हैं तारागढ़, जो कि हर इंसान जाता है तारागढ़। दोस्तों हम दिखाएंगे तारागढ़ में कितने रुपए का खर्चा आएगा आपका, और किस प्रकार से आप चढ़ सकते हैं ऊपर, और कौन सी शॉर्ट रास्ता है, कैसे चढ़ के कहाँ से उतर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम आपको दिखाते चलेंगे पूरी रास्ता, और रास्ता में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और मज़ार मिलता है रास्ते में, सारा कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में हम बताएंगे कि तारागढ़ आप घूमकर चढ़कर खाते पीते तो कितने रुपए आपका बजट होना चाहिए जो आप तारागढ़ घूम के उतर सकते हैं। तो दोस्तों हम दिखाएंगे अजमेर की गलियाँ आपको। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, ये रास्ता गई है जो कि हम जा रहे हैं, यहाँ से जाते हैं हम तारागढ़ के लिए। पैदल पैदल आप चल सकते हैं, दरगाह के जस्ट बगल से रास्ता ही आई हुई है, और हम लोग जा रहे हैं सीधा, आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए रास्ता, ये दुकानें लगी हुई हैं, आप लोग आते हैं शॉपिंग करते हुए अच्छे से घूमते हुए जा सकते हैं। और जस्ट आपको आगे गेट दिखाई दे रहा होगा, गेट पार करते ही तारागढ़ के लिए रास्ता है। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं गेट के बहुत ही करीब, आपको सामने गेट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जैसे ही हम लोग गेट को पार करेंगे, और इसके बगल से ही रास्ता है जो कि तारागढ़ के लिए जाती है, और हम लोग यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं तबरुक के लिए। और ये देखो दोस्तों, ये गई हुई है रास्ता तारागढ़ के लिए, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से चढ़ते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये रास्ता जाती है तारागढ़ के लिए, यहाँ से हम लोग चढ़ते हुए सीधा ऊपर जाएंगे, और आपको रास्ते में दिखाएंगे कि किस किस प्रकार की रास्ता मिलती है, और क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, और कैसी दरगाह है ऊपर। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए वीडियो में। तो ये देखिए हम लोग फल लेने के लिए आए हैं, भैया से हमने फल लिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ऊपर, भूख भी लग सकती है हमें, तो हमने अंगूर ले लिए और संतरे ले लिए। दोस्तों ये देखिए हम लोगों ने ले लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा और जाएंगे सीधा तारागढ़, क्योंकि हमारी फैमिली पहले ही निकल चुकी है और हम खाली फल लेने के लिए रुक गए थे। और अब देखो चलते हैं सीधा, रास्ते में दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, और हमने शुरुआत कर दी है चढ़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको घर देखने को मिलेंगे जो कि बने हुए हैं, और जैसे ही चढ़ते जाओगे ऊपर पहाड़ आता जाएगा। ये देखिए घर बने हुए हैं, ये देखिए भाई यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको रेजगारी चाहिए तो यहाँ पर मिल सकती है, ये देखिए आप खुला लेके बांट सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला स्टॉप ले लिया है, हम लोग चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे तो हम लोग थक चुके हैं, और सभी लोग बैठ चुके हैं अब। ये देखिए ये हमारी अम्मी बैठी हुई है, और हमारी फैमिली वाले यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने पहला स्टॉप ले लिया। और हम लोग कितने ऊपर आ गए आपको दिखाएंगे वीडियो में, देखिए देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं कितने ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ से आपको अजमेर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हम काफ़ी थक चुके हैं, देखिए हम लोगों ने दूसरा स्टॉप ले लिया और हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, देख सकते हैं कितना अजमेर, कितना ज़रा ज़रा सी बिल्डिंगें दिख रही हैं अजमेर की। और ये देखिए कुछ कबूतर उड़ रहे हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कबूतर पले हुए हैं अजमेर में। और ये देखिए नीचे ये घर बना हुआ है, इसमें कबूतर पले हुए हैं, हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये घर बना हुआ है और ये कबूतर उड़ रहे हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, देखिए आप। और हम लोग फिर चलेंगे ऊपर, जब तीसरा स्टॉप लेंगे हम फिर वीडियो दिखाएंगे आपको किस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, ये देखिए और भी कबूतर उड़ चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, और तारागढ़ की रास्ता हम नहीं दिखा पा रहे थे आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और हम लोग ऊपर आ रहे थे। ये देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा अजमेर शरीफ है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जस्ट दरगाह है। और हम लोगों को अभी और ऊपर जाना है, और ऊपर भी एक दरगाह है, ये देखिए पीछे एक दरगाह और बनी है, हम दिखा रहे हैं आपको। कि दोस्तों हम जैसे ऊपर चढ़ के जाएंगे इस दरगाह पर जाएंगे, और इसके बाद और ऊपर जाना पड़ेगा हमें, फिर हम जाके तारागढ़ पर पहुंचेंगे और वहां पर दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहां से आपको दरगाह दिखाई दे रही होगी दोस्तों, देखिए हम जूम करके दिखाते हैं।
ये देखिए ख्वाजा गरीब नमाज की दरगाह है ये, और हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं क्योंकि हम लोग तारागढ़ पर जा रहे हैं। ये देखिए अजमेर शरीफ का पूरा नज़ारा, आगे दरगाह है, यहाँ पर जूते चप्पल उतार के ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये रास्ता है दरगाह की। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग ने जूते चप्पल उतार लिया और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये देखिए ये दे गए, नाम बोल कर डालो अपने नाम से, ये देखिए अपने बच्चों के नाम से यहाँ पर गांठी बांधी जाती है, दुआएं मन कर डालो, दुआएं कबूल होती हैं, नजर नियाज का पैसा देख में डालो, देख देख लो भाई आगे आके देख देख लो, ये ग्यारहवीं शरीफ की नजर नियाज की देख है, पहले देख लेते हैं। ये दरगाह है, ये देखिए यहाँ से जो कि रास्ता बना हुआ है वो पत्थर काट के रास्ता बनाया गया है। देखिए ये देखिए ये देखिए, और दोस्तों कुछ दुकानें रास्ते में लगी होती हैं जो कि आपके सामान कुछ खरीदने वगैरह है तो मिल जाता है। ये देखिए सलाम आ रहे बैठ चुके हैं और हमारी फैमिली पीछे आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए ये दुकानें क्यों बंद है, क्योंकि हम रमज़ान के महीने में आए हुए हैं और रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। ये देखिए ये सारी दुकानें इसलिए बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। देखिए सामने ये देखिए दोस्तों हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर एक दुकान है और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर बेंच वगैरह डली होती है, ये खाने को मिलता है, आप लोग बैठ के यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, आप लोग पी सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए आपको मज़ार दिख रहा है, ये मस्जिद है, और ये देखिए पूरे मस्जिद और दरगाह का नज़ारा ये देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं आपको। हम लोग तारागढ़ के ऊपर आ चुके हैं, ये हमारी फैमिली पीछे बैठी हुई है। ये देखिए ये मस्जिद बनी है और उसके जस्ट बगल से दरगाह है, ये देखा आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये दरगाह है और ये देखिए यहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर लोग बैठ के आराम करते हैं थोड़ा। ये देखिए ये गेट बना हुआ है और यहाँ पर वजू खाना है साइड, ये वजू खाना है। ये सलाम भाई खड़े हुए हैं हमारे, वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों देखिए यहाँ से हम नीचे का नज़ारा दिखाने वाले हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पे? ये देखिए ये देखिए कितने छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं ये। फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं इसके बाद नीचे। ये देखिए पीछे वजू खाना है, आपको नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ से, ये देखिए ये पीछे वजू खाना है और हम लोग फाइनली अब नीचे जाएंगे यहाँ से सीधे तारागढ़ उतरते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था हमें चढ़ने में। तो अब हम लोग उतरते हैं सीधा, आपको दिखाएँगे वीडियो में। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, ये देखिए पीछे आपको देख दिखाई दे रही होगी, एक देग ये है और इसमें आप लोग मन्नत मांग के पैसे वगैरह डाल सकते हैं और आपकी मन्नत पूरी होगी। तो यहाँ पर तीन देग हैं जो कि आपको डालना पड़ेगा मन्नत जब मानोगे। ये देखिए पीछे तो आपकी जो खुशी बोले आप वो डाल सकते हैं। और हम लोग यहाँ से चलेंगे सीधा नीचे। दोस्तों यहाँ देखिए कुछ होटल वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको भूख लगती है, प्यास लगती है तो आप खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये देखिए कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह मिल जाएगा आपको, खाने के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी दुकान है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर आज आ सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत अच्छे से
घूम सकते हैं, खाना पीना भी मिल जाएगा आपको, पीने के लिए भी पानी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही है। दोस्तों हम लोग फाइनली निकलते हैं नीचे के लिए। ये आपको गेट मिल जाएगा नीचे जाने के लिए रास्ता है, जो यहाँ पर गेट मिलेगा और एक ही जस्ट नीचे आपको घोड़ा मिल जाएगा और ऊँट मिल जाएगा जो कि यहाँ पर फ़ोटो शूट होती है, और बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखिए भैया शूट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग आकर फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और यहाँ पर मंकी हैं, जो यूँ कह लंगूर हैं, जो लंगूर घूम रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊपर बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर आकर इनको खिला सकते हैं अच्छे से। ये देखिए बहुत ज़्यादा लंगूर बैठे हुए हैं, बहुत जा रहे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रही है यार। यहाँ से ये है जो इसके अंदर से उतर के हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ से हम आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोटो शूट करा सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये देखिए, और यहाँ से जो आपका नीचे का नज़ारा ना बहुत अलग है, वो ये हमको दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत अलग नज़ारा है यहाँ पर, देखिए। ये देखिए यहाँ से बहुत ही अलग नज़ारा दिखने वाला है आपको। देखिए अजमेर की बस्ती दिखाई दे रही है आपको, और ये अनासागर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये पहाड़ बहुत ही बड़े बड़े हैं, आपको बहुत छोटे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये रास्ता जाती है नीचे की ओर, और हम लोग निकल चुके हैं, अब नीचे जाएंगे। यहाँ से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से रास्ता रहेगी। ये देखिए जब आप लोग आएंगे तो आपको बहुत ही अलग मज़ा आने वाला है। देखिए इस प्रकार से उतरने वाली रास्ता रहेगी। ये देखिए आपको जब नीचे का नज़ारा दिखाते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, आप ऊपर आएंगे तो आपको ये लंगूर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए ये बैठे हुए हैं ये लंगूर। ये देखो हमारे सलाम भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं लंगूर की। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग चल रहे हैं नीचे की ओर, बहुत ही अच्छा रास्ता आपको देखने को मिलेगा, जो कि सीढ़ी एक भी नहीं है इसमें, सारे पत्थर का रास्ता है। ये हम लोग उतर के इतने नीचे आ चुके हैं, और ये देखो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा तारागढ़। यहाँ से हम लोग उतर के नीचे आ रहे हैं, और हम लोग कितना नीचे जाना और दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों आपको जस्ट नीचे ये दिखाई दे रहा होगा, देखो हम जूम करके दिखाते हैं। मुझे यहाँ तक उतर के पहुँचना है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगेगी और टाइम भी लगेगा, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे नीचे की ओर चलते हैं। और हमारे सलाम भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं, देखो ये देखिए फ़ोटो शूट कर रहे हैं सलाम भाई हमारे कैमरे से। दोस्तों हम चलते हैं सीधे नीचे की ओर, देखो हमारी फैमिली जो हमारे घर वाले हैं वो देखो जा रहे हैं नीचे। ये देखिए हम जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, और हम भी निकलते हैं सीधे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता नीचे उतर आए हैं, और आप देख सकते हैं हम कितने ऊपर से उतर कर आ रहे हैं। ये देखिए, और हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता उतर कर आ चुके हैं, और सीधे नीचे पहुँचते हैं और फिर दिखाएँगे आपको हम वीडियो में। तो रास्ता इस प्रकार से ये रास्ता है, ये देखिए जब आप लोग आएंगे तो आपको ऐसी रास्ता मिलेगी। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो जूस वगैरह की लगती हैं, लेकिन हम लोग रमज़ान के महीने में आए हुए हैं तो इसलिए ये दुकानें नहीं लगी हैं। और जब आप रमज़ान को छोड़कर आएंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपको जूस वगैरह पीने को मिल जाएगा। ये देखिए और भी आगे दुकानें लगती हैं, लेकिन अभी नहीं लगी हैं क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है। ये देखिए दोस्तों ये रास्ता है, इन रास्तों से होकर आपको नीचे उतरना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, और जस्ट हमारे आगे एक और भैया चल रहे हैं, जो कि वो भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं अजमेर का। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो शूट कराने के लिए ऊँट मिल जाएगा, सफ़ेद घोड़ा मिल जाएगा, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो शूट करा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए ये ऊँट है, आप लोग यहाँ पर बैठ के फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और ये भैया की दुकान है, यहाँ पर गिटार वगैरह और जो राजस्थानी शूट वगैरह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आप लोग अच्छे से फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और ये रास्ता जाती है नीचे की ओर, और ये देखिए हम लोग फिर नीचे की ओर चलने लगे हैं। और ये देखिए पहाड़ जो कि बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये अजमेर की बस्ती, ये देखिए दोस्तों अब हम ब्लॉक नीचे उतर कर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए अब हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं, और थोड़े से ऊपर रह गए। ये देखिए दोस्तों हम दिखाते हैं, ये रास्ता है
और हम कहाँ से उतर कर आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए वहाँ से उतर कर आ रहे हैं हम लोग, और हम लोग अब नीचे आने वाले हैं। ये देखिए आपको ऐसी रास्ता मिलेगी तारागढ़ से, जब उतरेंगे आप पूरे में पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हम जैसे ही नीचे उतर कर पहुँचते हैं फिर हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग जब उतरते हुए आ रहे थे तारागढ़ से, तो यहाँ पर एक दरगाह है जो कि मीठे नीम वाले बाबा के नाम से जानी जाती है। ये देखिए यहाँ पर भैया दुकान लगाए हुए हैं, यहाँ पर खिलौने भी मिल जाएंगे आपको, और ये भैया चूड़ियों की दुकान लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपकी चूड़ी ले सकते हैं, और वहाँ पर कपड़े की दुकान लगी हुई है। ये देखिए, तो दोस्तों आप लोग जब तारागढ़ से उतर कर आएँगे तो आपको ये दरगाह देखने को मिलेगी, और यहाँ दुकान देखने को मिलेगी, और यहाँ से फिर रास्ता जाता है इस साइड को, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नीचे पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक देग रखी हुई है, ये देखिए छोटी सी देग है, तो दोस्तों ये जाती है नीचे के लिए रास्ता।